हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी लेके। तो देखिए, देखने में कितना सुंदर है, खाने में भी इतने ही अच्छा लगते हैं। तो चलिए देर न करे रेसिपी शुरू करते। आज बनाएंगे हम चने का स्पेशल रेसिपी। तो देखिए, मैंने ऐसे में एक पैकेट मैंने दूध लिया, दूध मैं गर्म कर रूँ, बॉयल होने तक। बॉयल हो गया तो मैं इसी में दूँगी विनीगर दे रूँ। इसमें पहले मैंने पानी और विनीगर मैं मिला के रख दिए, तो मैं उसमें चम्मच भर भर के थोड़ा थोड़ा करके दे रूँ। अगर आपके पास विनीगर नहीं है, आप नींबू से भी दूध फटा सकते हो। और इसमें मैं चला रही हूँ क्योंकि इसमें जब तक ग्रीन पानी नहीं आएगा तब तक मैं चलाते जाऊँगी। देखिए, तो धीरे धीरे हमारा दूध फट रहे। तो देखिए, अच्छी तरह से हमारा हो गया। तो अभी चलिए एक छन्नी लेते हैं। हम छान लेते एक बार अच्छी तरह से। ठंडा पानी से हम दो तीन बार धो लेंगे उलट पलट करके, क्यों खट्टा ना हो जाए, इसीलिए खट्टा ना लगे, इसलिए हम अच्छी तरह से चला देंगे सनक को और अच्छी तरह से हम धो लेंगे। तो देखिए, हो गया। हम साइड करके रख देते अभी चलिए गैस के तरफ। तो देखिए, कढ़ाई में बैठा दिया, तेल भी दे दिया, तेल गर्म हो गया। अभी तेल में मैं दूँगी, अभी दिया मैंने प्याज। प्याज क्योंकि फ्राई करके रखना है, इसलिए मैंने प्याज थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग टाइप के मैंने काट दिए। तो देखिए, प्याज देने का साथ साथ, क्योंकि चलाना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो चिपक जाता है, थोड़ा टाइम रुक के फिर चलाना चाहिए। जैसे हम लोग बिरयानी में जैसे प्याज पहले हम फ्राई करके रख देते हैं, तो ऐसे ही मुझे चाहिए। तो अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद मैं निकाल दूँगी, और थोड़ा लाल लाल चाहिए, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं। मैं अच्छी तरह से चलाते जाऊँगी जो जल ना जाए प्याज। तो देखिए, प्याज हमारा भून के हो गया, मैं अभी निकल रही हूँ। देखिए, इतने मुझे चाहिए, तैसे फ्राई चाहिए मुझे। मैं अभी धीरे धीरे पूरा निकल दूँगी। तो देखिए, उधर मैंने लिया थोड़ा तीन चार टुकड़ा अदरक, और लूँगी मैं लहसुन भी। मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जैसा लाल लाल कलर तक। तो मेरा अभी हो गया भून के। देखिए, अच्छी तरह से भून ली मैंने, ब्राउन ब्राउन कलर आ गया हल्का। देखिए, तो मैं अभी निकल रही हूँ। अभी निकल के हम रख देते प्याज के साथ। तो देखिए, हमारा जो प्याज अदरक लहसुन ठंडा हो गया, तो मैं अभी इसका पेस्ट बनाती हूँ। पेस्ट बनाने के लिए मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं ड्राई पीस लूँगी। तो चलिए पेस्ट बना लेते। तो देखिए, पेस्ट हमारा हो गया, हम इसे में रख देते। मुझे थोड़ा ही बनाने का था, इसलिए मैंने थोड़ी से ही लिया, कम ज़्यादा आप ले सकते हो। जैसे आपका ग्रेवी बनेगा व सब्जी बनेगा, वही सब सबको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं साइड करके रख देती हूँ, और मैं फिर से मिक्सर कर जाल लेकर आई, क्योंकि इसमें बनाऊंगी टमाटो का पेस्ट। मैंने दो टमाटो लिया छोटा छोटा, हमें पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए कढ़ाई के तरफ। कढ़ाई के अंदर मैंने दो जीरा, और दूँगी एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी, और दो कुटा हुआ इलायची। तो चलिए, इसी के साथ साथ देती हूँ मैं हल्दी पाउडर, और दूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए, इसमें सिर्फ कलर आता है, मस्त तीखा बिल्कुल नहीं होता है, स्पाइसी नहीं रहता है, कलर ही आता है। तो थोड़ा मैं सलाह देती हूँ जो जल ना जाए, अच्छी तरह से हो जाए। तो अभी इसी में मैं दूंगी टमाटो का पेस्ट, क्योंकि वो मेरा कच्चा था, इसलिए मैं पहले से ही दे रही हूँ, जो अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो एक दो बार हमें अच्छी तरह से सलाह लेंगे, क्योंकि थोड़ा कच्चा है, अच्छी तरह से पक जाए। कितना मस्त कलर आया, देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं इसी में दूंगी जो पेस्ट बना के रख दे, प्याज अदरक और लहसुन। तो भी मैं दे दिया, मैं अभी अच्छी तरह से मैं सलाह दूंगी। अच्छी तरह से सलाने के बाद देखिए कितना मस्त लग रहा है। अच्छी तरह से मैं सला लिया, हमारा मसाला भुन के हो गया। तो मैं अभी इसी में ऐड करूँगी दही। ये मैंने दो चम्मच दही लिया, अच्छी तरह से मैं फटा लिए, और गैस मेरा स्लो ही ऐसे गरम कढ़ाई में ऐसा उबल रहे, लेकिन मेरा गैस एकदम स्लो है, तो मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो अभी मैं दे रूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर, और दे रूँ मैं भुना हुआ घर का गरम मसाला। तो अभी मैं अच्छी तरह से एक बार मिला लूँगी। तो अभी मैं इसी में ऐड करूँगी पानी। मैं ग्रेवी कम ही बनाऊंगी, इसलिए मैं पानी कम दिया, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप दे सकते हो, भी रख सकते हो। तो मैं इसी में ऐड करूंगी नमक, और अब इसी में थोड़ी सी दूंगी मैं चीनी, क्योंकि जो खट्टा ना लगे, दही भी लिए हमने और छेना भी खट्टा हो सकते, इसलिए मैंने हाफ चम्मच जैसे चीनी दिए, जो खट्टा मीठा बैलेंस में रखेंगे। तो मैं अभी दे रूँ छेना, ऊपर से हम दे रहे,
इसको भुनना नहीं, कुछ नहीं करने का, सिर्फ ऊपर से ही देना है। तो मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, ये ज़्यादा टाइम पकाने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारा और कुछ पक गया, मतलब हो गया, रेसिपी ऑलरेडी बन गया। देखिए तो अभी हो गया, तो अभी मैं ऊपर से दे रूँ 1 चम्मच जैसे घी, क्योंकि इसी में टेस्ट और भी अच्छा लगता है। तो अच्छी तरह से मैं एक बार मिला दूँगी फिर से एक बार। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो का साथ। ओके बाय बाय।